सो वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो ब्रायन के नेदर वेरिएंट, जिसे हीरो ब्रायन का भाई नेदर ब्रायन भी कहते हैं। अब हीरो ब्रायन और नेदर ब्रायन का एक और भाई है एंडर ब्रायन, जिसके ऊपर भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एनीवेज, नेदर ब्रायन भी हीरो ब्रायन जैसा दिखता है, बस उसकी स्किन थोड़ी सी नेदरैक की बनी होती है और उसका आधा जो मुंह होता है वो भी नेदरैक का ही होता है। सो जिस तरह हीरो ब्रायन ओवरवर्ल्ड में रहता है, एंडर ब्रायन एंड डायमेंशन में रहता है, उसी तरह नेदर ब्रायन नेदर में रहता है। तो नेदर ब्रायन को ढूंढा था एक प्लेयर ने जब वो द हंट सीड में खेल रहा था। वेल, वो सीड में हीरो ब्रायन को ढूंढने गया था क्योंकि उसने स्टोरी सुनी थी इसके बारे में कि इस सीड के अंदर जो है हीरो ब्रायन को देखा गया है। अब उसे हीरो ब्रायन तो नहीं मिला, बट उसे काफ़ी सारे डायमंड जरूर मिले थे, जिससे वो डायमंड स्वॉर्ड और एक डायमंड पिकैक्स और एक इंचैंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर पाया था, और उसने अब अपनी स्वॉर्ड को इंचैंट भी कर लिया था। सो अब उसे इस सीड में खेलते हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था, और उसे भले ही हीरो ब्रायन ना मिले लेकिन वो इस सीड में काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था। और अब उसने डिसाइड किया था कि अब उसे नेदर में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे नेदरराइट की ज़रूरत पड़ रही थी। सो वो फाइनली नेदर में जाता है, पर नेदर में उसे कोई भी मॉब नहीं मिलता है, और वो कम्प्लीटली अनयूजुअल होता है क्योंकि वो दूर दूर तक देख रहा था और उसे कोई भी वहाँ पर मॉब नहीं मिला। सो अपनी डिफ़िकल्टी चेक करता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो नॉर्मल मोड में ही खेल रहा था। वो फिर अपने नेदर पोर्टल की तरफ देखता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि जो नॉर्मल ऑब्सीडियन थे ना उस नेदर पोर्टल के, वो अब ग्लिच करके क्रैंक ऑब्सीडियन के बन गए थे। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल सी चीज़ थी, लेकिन वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता है और वो अपना एक नेदर हब बनाता है। और कहीं ना कहीं वो इस बात से थोड़ा खुश भी था क्योंकि उसको अब ज़्यादा मॉब से नहीं लड़ना पड़ रहा है, जो उसका गेम एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अब वो वापस से पोर्टल के थ्रू ओवरवर्ल्ड में आता है और देखता है कि सारी की सारी जो काउस थी उस वर्ल्ड में, उनकी आंखें वाइट होती हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि जब हीरो ब्रायन किसी मॉब को पोजेस करता है तो उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं। और उसे इस सब के बारे में पता था तो उसे समझ आ गया कि ये जो काउस है ना, इन्हें एक्चुअली में हीरो ब्रायन ने पोजेस कर लिया है। और वो वहाँ से भागने लग जाता है और उसे थोड़ी देर आगे भी एक जॉम्बी दिखता है जिसकी भी आंखें वाइट होती हैं, और वो समझ जाता है कि इसे भी हीरो ब्रायन ने ही ज़रूर अपने कंट्रोल में रख रखा है। अब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, लेकिन तभी उसका गेम जो है वो थोड़ा गड़बड़ाने लग जाता है क्योंकि आसपास की जितना भी ओवरवर्ल्ड था ना, वो ग्लिच करके अब जो है नेदर बन चुका था, और उस जॉम्बी की स्किन भी जो है ग्लिच करके धीरे धीरे नेदर ब्रायन जैसी बन गई। अब उस गेम में ऐसी आवाज़ें आने लग जाती हैं जैसे कि कोई लावा में डूब रहा हो, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने की भी आवाज़ें आने लग गई थी जैसे कोई मर रहा हो। और तभी नेदर ब्रायन खुद को जो है इंट्रोड्यूस भी कराता है कि वो नेदर ब्रायन है। वो उसे बोलता है कि आई हैव किल्ड द नेदर एंड ऑल द मॉब्स इन द एंड नाउ नॉट इवन हीरो ब्रायन कैन स्टॉप मी। लेकिन तभी सर्वर में हीरो ब्रायन भी आ जाता है, और नेदर ब्रायन और हीरो ब्रायन की एक बहुत ही ज़्यादा घमासान फाइट भी होती है। वेल, हीरो ब्रायन के पास एक इंचेंटेड स्वॉर्ड थी और वो उसी से लड़ रहा था, लेकिन नेदर ब्रायन खाली हाथ लड़ रहा था। अब हीरो ब्रायन को थोड़ी मुश्किल तो आती है, पर वो नेदर ब्रायन को हरा ही देता है। और तब उस प्लेयर को रियलाइज़ होता है कि हीरो ब्रायन असल में उसे बचा रहा था। अब हीरो ब्रायन उसे फाइनली नेदर ब्रायन से बचा तो लेता है और उसे वापस से ओवर वर्ल्ड में भी टेलीपोर्ट कर देता है, और अब ये जो उसका वर्ल्ड था वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है और वो दोबारा से इसमें खेलना कंटिन्यू रखता है।